What's up everyone, welcome back to the channel. हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में हम लोगों ने सीखा था, रेजिडेंटशिप सिटीजनशिप के बारे में सीखा था, हम लोगों ने फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र इनकम के बारे में सीखा था. आज हम इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर कुछ और चीज़ें हम आज देखने वाले हैं. विल बी स्टार्टिंग विद करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स और इसके बाद चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे. थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से मेरी आवाज़ शायद कम ज़्यादा हो, बट आई विल ट्राई कि आप लोग को ऐसा कुछ फील ना हो, मेरा एनर्जी लेवल्स बिल्कुल भी नो ना लगे. चलिए लेट्स बिगिन. हम लोगों ने फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम लास्ट क्लास में कवर कर लिया था. अभी आज हमें सीखना है कि जो ट्रांसफर रिसिप्ट्स हैं, यानी जो रिसिप्ट्स आपको मिल रही हैं विदाउट गिविंग या विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, जिसके जो बिना कुछ करे रिसीव हो रही हैं, वो दो तरीके के ट्रांसफर हो सकते हैं, करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स. सो करंट ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स होते हैं जो इनकम में से करे जाते हैं, विच आर मेड आउट ऑफ इनकम, ठीक है. और कैपिटल ट्रांसफर्स कौन से ट्रांसफर्स होते हैं? कैपिटल ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स होते हैं विच आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर. तो यानी जो ट्रांसफर पे करने वाला है, ठीक है, जो पे कर रहा है वो अगर अपनी इनकम में से पे कर रहा है तो उसको आप करंट ट्रांसफर बोलोगे, और अगर अपनी वेल्थ में से कर रहा है तो उसको कैपिटल ट्रांसफर्स बोलोगे, ठीक है. यूजुअली लोग अपनी इनकम में से ही करते हैं, अपनी वेल्थ में से कोई भी इंडिविजुअल जल्दी से पेमेंट्स नहीं करता. तो अगर इनकम में से करता है तो वो रेगुलर नेचर का होता है. करंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर, और अगर वेल्थ में से करता है तो वो इररेगुलर नेचर का होता है. इसके बाद करंट ट्रांसफर्स जो हैं बेसिकली कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं. कंजम्पशन का मतलब वो इमीडिएटली यूज़ हो जाएंगे. जबकि जो कैपिटल ट्रांसफर्स हैं वो होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी सामने वाला उसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से रखता है और लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ करता है. एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे करंट ट्रांसफर्स के? जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गए, गिफ्ट्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गए. और कैपिटल ट्रांसफर्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं? इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस, ये सब हमारे पास करंट और कैपिटल ट्रांसफर्स के एग्जाम्पल्स में आ जाता है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? अब हमारे जो गुड्स हैं, गुड्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके के चीज़ों में हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स, ठीक है. इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में मेनली जो फर्क होता है वो होता है प्रोडक्शन बाउंड्री का. सर प्रोडक्शन बाउंड्री से क्या समझें हम? प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट गुड हैं उन पे अभी और प्रोडक्शन होना होता है, यानी उन्होंने अभी अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करी. जो फाइनल गुड होते हैं ना वो बिल्कुल रेडी टू यूज होते हैं, एकदम फाइनल होते हैं, उनके अंदर फर्दर कोई चेंजेस या फर्दर कोई बिहेवियर में या फर्दर किसी शेप में यूजुअली चेंज नहीं होता. फाइनल का मतलब दे आर रेडी टू यूज, बिल्कुल फाइनली अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचेंगे. इंटरमीडिएट गुड जो है वो कौन सा होता है? जो अभी उसकी शेप में चेंज होता है, जो अभी उससे फर्दर प्रोडक्शन हो रहा होता है उसके अंदर, वो होता है. तो देखो इंटरमीडिएट गुड को क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट गुड वो गुड है विच आर ईदर यूज्ड फॉर रीसेल, जो या तो रीसेल करे जाएंगे, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है. देखो क्या लिखा हुआ है इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. ये याद रखना बच्चे, सेम ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी गुड को अगर एक साल से ज़्यादा रखा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक की बात करता हूँ, हमारे दुकान में हमने माल भरा है, वो माल हमारे लिए पूरे साल में अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसको रीसेल कर देते हैं, वो इंटरमीडिएट ही है. लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है साल के लास्ट में, एक साल से ज़्यादा पड़ा रहेगा, तो वो फिर वो फाइनल बन जाता है, ठीक है. तो सेम ईयर में ही या तो रीसेल होना चाहिए या फर्दर प्रोडक्शन होना चाहिए. फाइनल कौन सा होता है? विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन, या तो वो इमीडिएट कंज्यूम हो जाता है, और या फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा जाता है. अब देखो एक बात याद रखना, कोई भी आपको गुड का नाम बताए, जैसे कोई फॉर एग्जांपल ये बोले कि भैया टी, टी क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है, तो आप बोलोगे भाई ये नहीं हमें पता, हमें ये बताओ कि यूज़ कैसे हो रहा है. यानी आप उसका जो कैटेगराइजेशन करते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ करते हो बेटा, यानी कोई भी गुड यूज़ किस तरीके से हो रहा है. तो अगर वो गुड यूज़ किया जा रहा है बाय अ फाइनल कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल हम हाउस होल्ड हैं, हमने चाय खरीदी, तो हम तो उसको एज अ कंज्यूमर यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए वो फाइनल है. वही चाय अगर कोई
एक ऐसा इंसान बेच रहा है जो चाय वाला है ना, अगर कोई चाय वाला चाय खरीद रहा है तो वो तो उसको बेचेगा फर्दर, है ना, वो तो उसको चाय बना के पैसा कमाएगा, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट हो जाता है। तो अल्टीमेटली इंटरमीडिएट या फाइनल कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है उसके यूज से, कि यूज कैसे हो रहा है। नंबर टू क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम में कौन सा इंक्लूड करा जाता है, तो याद रखना सिर्फ फाइनल गुड, दीज आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। अभी हम थर्ड फोर्थ चैप्टर में सीखेंगे नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो वहाँ पे फाइनल गुड इंक्लूड करे जाते हैं, इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं किए जाते। सर क्यों नहीं किए जाते, देखो बेटा अगर आपने इंटरमीडिएट कर दिया फिर उसी से फाइनल बनेगा, वो आपने दोबारा कर दिया तो दो बार काउंट हो गया ना सेम गुड, नेशनल इनकम अननेसेसरीली बढ़ के आ जाएगी, दो बार काउंट कर रहे हो आप एक चीज़ को, तो वो इसीलिए हम कंसिडर नहीं करते, दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद जो फाइनल गुड्स होते हैं वो रेडी फॉर यूज़ होते हैं, अल्टीमेटली जो उसके फाइनल यूजर्स हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी होते हैं दीज आर नॉट रेडी फॉर यूज़, ये अभी रेडी फॉर यूज़ नहीं होते, इनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है। इसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री, मैंने आपको बताया दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी इनमें प्रोडक्शन का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, इनमें अभी प्रोडक्शन होती है। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क परचेस्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, देखो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, फाइनल गुड्स के। वहीं पर इंटरमीडिएट अगर वही मिल्क डेयरी शॉप ने यूज़ करा, कोल अगर फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, तो ये सब इंटरमीडिएट में आ जाता है, समझे। तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का डिफरेंस समझ में आया सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास दो तरीके के गुड्स और आ रहे हैं, जो कौन से हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। देखो इसके लिए मुझे नोट की जरूरत पड़ेगी, वेयर इज माई नोट। देखो हमने जो गुड्स का बाइफरकेशन किया ना बेटा, वो दो तरीके से किया, एक होता है इंटरमीडिएट गुड, एक होता है फाइनल गुड, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल, ठीक है। इंटरमीडिएट क्यों यूज हो रहा है, इधर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। वहीं पे जो फाइनल है ये यूज हो रहा है इधर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो फाइनल गुड है ना, इसकी भी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, एक तो कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स। एक कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड। अब मैंने आपको इंटरमीडिएट और फाइनल तो बता दिया कि क्या है, अब हमें डिस्कस करना है ये कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। ये टेबल अपने पास बनाओ, चार्ट बनाओ अपनी बुक में या नोट्स में, जो भी बना रहे हो वहीं बना लो। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, पहली बात नाम में ही है, जो कंज्यूमर्स यूज करेंगे और उनकी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या है, दीज गुड्स सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स डायरेक्टली, ठीक है। ये गुड्स जो हैं ये ह्यूमन वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अल्टीमेटली अगर एक कंज्यूमर चाय खरीद रहा है तो चाय उसके लिए कंजम्पशन गुड का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बोलूँ आपके पास जो एक साल से ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है, अब वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फाइनल में आएगा, लेकिन वो कंज्यूम थोड़े ना हो रहा है, वो तो एज आगे अगले साल यूज होगा, तो उसको हम कैपिटल गुड बोलेंगे। सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली ह्यूमन वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं करते, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड का मतलब कि अब आप इसको डायरेक्टली ही डिमांड कर रहे होते हो, यानी इनकी डिमांड किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं होती। इनकी कैपिटल गुड्स की डिमांड जो है वो अल्टीमेटली किसी और चीज की डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टैक्सी है, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, टैक्सी है। अब समझो टैक्सी का एग्जांपल बड़े ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल वो टैक्सी एक डीलर ने ली है रीसेल करने के लिए, ठीक है। किसने ली वो टैक्सी, डीलर ने ली रीसेल करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी। वही सेम टैक्सी एक हाउस होल्ड ने ली अपने यूज के लिए,
हाउसहोल्ड ने ले ली वही टैक्सी, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, वो कंजम्पशन गुड बन जाएगी, तो उसकी डिमांड डायरेक्टली कंज्यूमर कर रहा है। वही टैक्सी एक टैक्सी ड्राइवर ने ली जो उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, और एक साल से ज्यादा अपने पास रखेगा ना। आप कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है तो इंटरमीडिएट हुआ। बेटा इंटरमीडिएट सिर्फ एक साल के अंदर अंदर तक होते हैं, एक साल से ज्यादा जो भी गुड हो गया वो सब फाइनल में चला गया। अब फाइनल में जाने के बाद अगर कंज्यूमर नहीं यूज कर रहा ना तो वो कैपिटल गुड है। अब उस टैक्सी की डिमांड तो कस्टमर के ऊपर बेस्ड है ना, अगर कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं उसके पास तो वो डिमांड भी ज्यादा हो रही है, कस्टमर कम आ रहे हैं तो डिमांड भी कम हो रही है। तो टैक्सी ड्राइवर के सोच लेने से तो उसकी डिमांड नहीं होगी, उसकी डिमांड डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर। तो उसकी जो डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड का क्या मतलब होता है, डिराइव्ड का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन अदर सिचुएशन, ठीक है ना। तो आप टैक्सी का मतलब समझे कि अगर वही टैक्सी कौन खरीद रहा है, एक डीलर खरीद रहा है रीसेल करने के लिए, तो एक साल के अंदर अंदर रीसेल कर देगा तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट हो गया। अगर कंज्यूमर खरीद रहा है तो फाइनल में कंजम्पशन हो गया, अगर वही टैक्सी को टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है तो फाइनल में कैपिटल गुड हो गया। देख रहे हो यूज के ऊपर डिपेंड होता है ये सारी चीजें। उसके बाद दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट नहीं करते, सीधा कंज्यूम हो जाते हैं, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी में यूज आते हैं, ऑब्वियसली प्रोडक्शन होगी इनसे। एक्सपेक्टेड लाइफ, इनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो कैसी होती है, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के। अभी मैं आऊंगा, जो कंजम्पशन गुड्स है ना ये चार तरीके के होते हैं, अभी बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। कैपिटल गुड्स की जो लाइफ होती है वो मोर देन वन ईयर होती है, लंबे समय के लिए इनको रखा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो जो हमारे पास कंजम्पशन गुड्स हैं उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। और कंजम्पशन गुड्स को फर्दर क्लासिफाई करा गया है इन इन कैटेगरीज में, कौन कौन सी कैटेगरीज है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। अब आप समझ सकते हो ड्यूरेबल कौन से होंगे, ड्यूरेबल होंगे जो लंबे समय तक चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। लंबे समय तक चलने का मतलब जैसे आपके टीवी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, आपके घर में रहते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने रेफ्रिजरेटर लिया और चार दिन बाद बाहर फेंक दिया नया ले लिया, ऐसा तो नहीं होता, लॉन्ग टर्म तक रहता है ना, वो ड्यूरेबल में आएगा। सेमी ड्यूरेबल जिनका टेन्योर जो होता है वो आप ये मान लो कि एक सीजन का होता है, एक सीजन का, या आप बोल दो 6 to 8 months का, उनको हम सेमी ड्यूरेबल बोल देते हैं। सेमी ड्यूरेबल जैसे क्लोथ्स, क्रोकरी, शूज, गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, उनको हम सेमी ड्यूरेबल बोलते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 year, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं, जो 2-4 दिन में ही, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड, बटर, ये सब कंजम्पशन में नॉन ड्यूरेबल होते हैं, मिल्क, ब्रेड, पेपर एट्सेट्रा, ये सब नॉन ड्यूरेबल होते हैं। सर्विसेज, सर्विसेज आप जानते ही हो, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स, वो सब हमारे पास कंजम्पशन गुड्स का ही पार्ट बनता है। तो जब भी मैं कंजम्पशन गुड्स में जाता हूँ, कंजम्पशन गुड्स चार तरीके के होंगे बच्चे, कौन कौन से, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, ये याद रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम लोग अपने नोट में भी पूरा कर देते हैं, जो हमने नोट बनाया हुआ है इसके अंदर भी हम पूरा कर लेते हैं इसको। कंजम्पशन 1, 2, 3, 4, सबसे पहला हो जाएगा ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। लो ये हमारे कंजम्पशन गुड्स हो गए, ठीक है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, राइट। चलिए जी अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और हम कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से हैं, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो अदर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, कुछ सालों का इनका लाइफ स्पैन होता है। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, इनका कोई भी आइडेंटिटी लूज नहीं होता, ये एज इट इज लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम, इनको रिपेयर और रिप्लेसमेंट चाहिए होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है, और इनकी डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड मतलब कि इसकी डिमांड जो है वो डिपेंडेंट होती है अदर चीज़ों के ऊपर, समझे। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ गया फिर किसके बारे में, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस है, ये चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको बड़े ध्यान से इनको करना है। तो आज हमने क्या करा है, आज हमने मेनली 3 चीजों के बारे में पढ़ा है, इंटरमीडिएट गुड,
फाइनल गुड, फिर फाइनल में कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड। ओके, अब आपको क्या करना है, आज एक बार अपनी बुक्स खोलनी है, जो भी बुक्स आप यूज करते हो उसमें से रीडिंग लगानी है। दिस चैप्टर विल टेक वन मोर क्लास, एक और क्लास लेके, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे गले में बहुत दर्द है और मैं, मेरा नोज भी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, आवाज़ मेरी थोड़ी अजीब आ रही होगी। तो आई विल ट्राई टू शूट अनदर वीडियो टुमारो और हम इस चैप्टर को कल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।